हेलो दोस्तों, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वैकेंसी आ चुकी है जी। प्रोसैस सर्वर की टोटल 12 वैकेंसियां ने, कैटेगरी वाइज वैकेंसियां की वांडी की गई है जी। तो रैगूलर भर्ती है जी ये बारे, तो नोटिफिकेशन भी अखबार के आया जी। रैगूलर भर्ती है, कोई ठेके आधारित भर्ती नहीं है। तो मैं तुम्हें अखबार का फोटो भी दिखावगा जी, अखबार से नोटिफिकेशन आया जी। तो पहला यदि गल मैं दसा कि ऑफलाइन मतलब कि मोड अप्लाई कर सकते इस पोस्ट वास्ते, ये इंटरव्यू होगी, कोई भी तुहाडा एग्जाम नहीं होगा, ठीक है जी। तो लास्ट डेट हैगी है जी 15 दसंबर, तो 5 बजे तो पहला तुम मतलब कि फार्म भेज सकते हो जी। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज रूपनगर, मतलब कि रूपनगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपने फार्म पहुँचाने जी। तुम आप भी जाके दे सकते हो, जी स्पीड पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसियां की वंड की गई है जी। 12 वैकेंसियां ने, तो जनरल दी 5, तो एक्सरसमैन दी 2 वैकेंसियां, बीसी कैटेगरी दी 2-3 वैकेंसियां, तो हैंडीकैप परसन दी 1 वैकेंसी है, तो एससी कैटेगरी दी 1 वैकेंसी आ। तो जो रिजर्वेशन का जो लाभ आ जी, वह मतलब कि पंजाब के कैंडीडेट को, मतलब कि जो पंजाब के डोमिसाइल कैंडीडेट है उन्होंने मिलेगा जी। तो नहीं तो जो बाकी स्टेटा जो अप्लाई कर रहे भावें वो एससी बीसी संबंधित है, पर वो जनरल कैटेगरी कंसीडर हो गए। तो जी भी तुम्हें तनखा मिलेगी जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों जी निर्धारित की जाती है जी। प्रोसैस सर्वर की होगी जो उन्होंने अकॉर्डिंग सरकारी तनखा जी भी वह तुम मिलेगी जी। वैसे वधिया होंगी तनखा, क्योंकि रैगूलर भर्ती आ, कोई प्राइवेट नहीं आ, इस करके तनखा वधिया होगी जी। इसलिए इसके लिए जी क्वालिफिकेशन आ जी 10वीं पास चाहिए आ, ते नाल पंजाबी सब्जेक्ट तुसीं जरूर पास किया हो, ठीक है। तो तुहानू नॉलेज होनी चाहिए पंजाबी की। इसकी गल करते हैं जी, 18 तो लैके 35 साल वाला एलिजिबल आ जी। बाकी एस सी एस टी ओ बी सी जो छोड़ मिलती सरकार 3 साल की, 2-5 साल की मिलेगी जी। मतलब कि एस सी एस टी 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि होर मतलब कि 35 में 5 होर जोड़ देन, तो जोड़े ओ बी सी है जी वो 3 साल जोड़ देन, मतलब कि 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जे इंटरव्यू किदन आ जी, वह भी मैं तुम्हें दस देना वा सारा कुछ। तो बाकी है कि जोड़े भी कैंडीडेट सिलेक्ट होने इंटरव्यू लिए उन्होंने लिस्ट आई आ जाऊगी जी, तो जोड़े एलिजिबल नहीं होने उन्होंने भी लिस्ट आऊगी, तो वो तुम मतलब कि वैबसाइट पर देख सकते हो जी। तो जल्दी मतलब कि तुम वैबसाइट पर मिल जूगी जी। बाकी फार्म कि मतलब कि भेजना वा, कितों लैना वा, वो बारे दसागा जी। बाकी जी इंटरव्यू तुम्हारी होनी है 20 ते 21 दसंबर होनी है, मतलब कि 2 दिन चलनी आ। तो बाकी लिस्ट जी आऊगी जी, वो दसया जाऊगी, तुम्हारा टाइमिंग दसया गो आ लिस्ट वाले ने, मतलब कि कैंडिडेट का इदन 19 तरीक में मतलब कि इंटरव्यू आ जी, वो सब कुछ दसया जाऊगा। तो एक नोटिफिकेशन आ जी आला नीचे वाला, जो प्रिंट करवाना वा, मैं PDF से मतलब कि जो PDF है वा टैलीग्राम ग्रुप से पा देंगे, टैलीग्राम का लिंक इसे वीडियो तो बहुत चाहिए। तुम इतों जाके ये प्रिंट करा लेना वा, एडमिट कार्ड सॉरी फॉर्म करा लेना वा जी, अपना ये प्रिंट जिहड़ा भी अप्लाई करना चाहता वा। पहला तो अपनी साइज से मतलब कि फोटो लानी है जी, जो डब्बा देख रहे इतने तुम फोटो चिपका देनी एक अपनी, 2 फोटो तुम्हें नाल भेजनी है एक्सट्रा। तो जिहड़ा भी इनफॉर्मेशन भरनी वड्डे अक्षर में भरनी, ब्लॉक लैटर मंगी उन्होंने, पहले नंबर पर तुम अपना नेम भरना जी, दूजे नंबर पर अपना फादर नेम, जे कोई कोई मैरिड आ जी अपने हसबेंड का नेम लिखोगी जी। एज लिखनी है जी, डेट ऑफ बर्थ लिखनी अपनी, किन्नी भी तुहाड़ी हैगी आ, किहड़ा ईयर किन्नी तरीक आ, किहड़ा ईयर आ, ठीक है, किहड़ा मंथ आ। तो 31/10/2022 तक तुहाड़ी मतलब किन्ने साल एज बनती पई आ, किन्ने मंथ बनती पई, किन्ने दिन बनती पई आ जी तुहाड़ी डेट ऑफ बर्थ तो। तो 4वें ते 5वें नंबर पर अपना तुम एड्रैस लिखना जी, आधार कार्ड के पिछे जो एड्रैस लिखा हों जी वो लिखना तुम। तो 6वें नंबर पर तुम अपना एड्रैस दूजा नंबर दसना जी, मतलब कि जो फोन नंबर मोबाइल नंबर। 7वें नंबर पर अपनी ईमेल ID दसनी है जी, ठीक है, जी भी तुहाडे फोन दे विच चलदी पई आ। 8वें नंबर पर कैटेगरी सिलेक्ट करोगे जी, मैं टिक लाओगे कि कैटेगरी विच तुम अप्लाई कर रहे हो, नाल उहदा सर्टिफिकेट लाओगे, जनरल कैटेगरी छड्ड के बाकी सारे कैंडीडेट अपना लाउणगे सर्टिफिकेट। 9वें नंबर पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दसनी कि तुम्हें की स्टडी की हुई है जी। तो 10वें नंबर पर दसना जी, तुहाडे कोई FIR वगैरह तो नहीं हैगी, जे तो हैगी यस करोगे, नहीं हैगी तो नो करोगे, ठीक है जी। 11वें नंबर पर जे तुहाडे कोई एक्सपीरियंस हैगा दसोगे, नहीं तो तुम ना कर देना, जिदा मतलब कि इदा लिख देना जी, N पा के स्लैश पा के A पा दो, ठीक है जी। उस तो बाद नीचे आ जाना जी, इतने तुम अपने सैन कर देने, ठीक है जी। तो नाल तुसी कड़े कड़े डाकूमेंट ला के अटैच करके भेजने आ फार्म के नाल। ये पहला तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भेजना वा, ठीक है जी। दूजे नंबर से अपना एजुकेशन जिनी भी तुम स्टडी की सर्टिफिकेट की फोटो कापी भेजनी है जी, मतलब कि कोई रीजनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना, सिर्फ फोटो कापी भेजनी है। तो तीजे नंबर से तुम अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट भेजना जी, ठीक है जी, जनरल कैटेगरी छड़ के बाकी सारे भेजना वा। जे तुम मतलब कि उस एज छोट भी लै रहे हो, SC ST OBC वाले, वो जरूर पक्का भेजन।
चौथे नंबर पर जे तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा तुसीं एक्सपीरियंस दे बारे लिखा जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाओगे नाल। पंजवें नंबर पर आइडेंटिटी प्रूफ जिदा आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया कलाउणा नाल जी तुसीं, ते दो फोटो तुसीं भेजनियां जी नाल तो लिफाफे दे विच पा के भेज देनियां, ते एड्रैस लिख देना टू दी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज रूपनगर, ते बाकी सर्च करो गूगल या क्रोम से तुहानू उत्थे पिन कोड मिल जूगा, जब तुसीं डाकखाने जमा कराओगे तुहानू उन्हें दस ही देना पिन कोड आ भी ठीक है, उत्तों फॉर्म पा के अपना एड्रैस लिख देना जी। तो 12 वैकेंसियां ने रैगूलर पोस्टा ने जी रैगूलर बेसिस देख सकते हो नीचे लिखा भी होया वे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ते नहीं आ सरकारी भर्ती है जी ये। तो 15 दिसंबर लास्ट डेट आ, जिहड़ा भी अप्लाई करना चाहुंदा कर सकदा जी। तो बाकी मैं PDF टैलीग्राम ग्रुप से पा चुकिया जी, तुसीं उत्थों जाके PDF लै सकते हो जी, तो आप ही कोई हदायत वगैरह पढ़ने चाहते हो पढ़ सकते हो। तो जिदा मैं तुहानू मतलब कि वीडियो स्टार्टिंग कहा है कि मैं एडवरटाइजमेंट दिखावा अखबार के जो आया सी, ते तुसी देख सकते हो पंजाबी दे विच आया सी अजीत अखबार के अंदर देख सकते हो जी। तो अज 5 दिसंबर हैगी जी, 5 दिसंबर की मतलब कि अखबार के विच देखोगे तो तुहानू मतलब कि नोटिफिकेशन मिल जूगा जी। दफ्तर जिला ते सैशन जज रूपनगर ते जिहदे विच लिखा जी तिहार के रैगूलर आधार उत्ते प्रोसैस सर्वर दीआं 12 वैकेंसियां, मतलब कि सरकारी भर्ती आ रैगूलर भर्ती आ जी, ये कोई प्राइवेट नहीं आ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ।